जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको दिखाऊंगा 1877 में तमीर किया गया एक कदीम और तारीखी हसीयत रखने वाला दरिया चनाब पर ये रेलवे का पुल। ये देखें जी कितना खूबसूरत पुल है ये, और लोहे का बना हुआ है। अब तो खैर इसके मतबादल दूसरा पुल बन चुका है जो इस वक्त आमदोरफ्त के लिए जारी है। ये देखें कितना प्यारा मंज़र है पुल का, और कितना प्यारा ये दरिया का मंज़र है। ये देखें जी ये पुल चनियोट चनाब नगर की जो तवील पहाड़ी सिलसिला है उसके ये संगम में वाक़िया है। जब ये पुल बनाया गया होगा तो मेरे ख्याल में तो उस वक्त कुछ जदीद वसाइल भी नहीं थे, ना कुछ जदीद मशीनरी थी, लेकिन उन लोगों की हिम्मत और मेहनत, बहुत खूबसूरत पुल दरिया चनाब का ये रेलवे पुल। ये देख रहे हैं जी और इस जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये देखें, अब इस जगह का भी जिक्र ना करूँ तो ये भी बहुत बुरी बात होगी मेरे लिए। ये देखें ये यहाँ पहले किसी वक्त में मंदिर हुआ करता था हिंदुओं का पाकिस्तान बनने से पहले। ये देखें ये जगह भी मौजूद है उनकी, यहाँ उनका स्नान घाट था जहाँ वो अपने ये मुर्दे वगैरह जो हैं वो जलाकर फिर उनकी जो राख है वो इस दरिया चनाब में बहा दिया करते थे। ये सीढ़ियाँ अभी भी बनी हुई हैं, ये देख रहे हैं जी। कहा जाता है कि ये 1970 की दहाई तक तो यहाँ मंदिर था लेकिन उसके बाद उसे ख़त्म कर दिया गया। ये देखें इस वक्त ये शिकारी हजरात बैठे हुए हैं जी शिकार खेलने के लिए। इसी जगह पर कहीं मंदिर था। सीढ़ियों के जो स्टेप है वो भी खतरनाक हैं। ये आप देख रहे हैं जी, कहा जाता है कि यहाँ एक पुजारी भी रहा करता था हिंदुओं का, ये उसका कमरा है, ये अब भी मौजूद है।
अब ये देखें, ये कमरा, ये वही पुरानी वक्तों की जो ईंटें नहीं होती थी, पतली पतली सी ये लगी हुई हैं, यानी इससे पता चलता है कि ये जो कमरा है काफ़ी पुराना है ये। अब यहाँ एक बुज़ुर्ग रहते हैं, बाबा पीले शाह। ये देखें, ये अब जो ये जो जगह है, ये अब मकाम हैरत के नाम से मशहूर है, मकाम हैरत के नाम से। ये देख रहे हैं जी, बाबा पीले शाह ने पीले झंडे भी लगाए हुए हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी क्या हाल है आपका? ये जो बाबा पीले शाह हैं, ये उनके खादम हैं जी। आप उनके खादम हैं जी? जी जी ठीक है, आपका शुक्रिया। अच्छा, पहले यहाँ मंदिर हुआ करता था, सरकार 1950 में। ने इसकी ड्यूटी लग गई, सरकार आया अच्छा, सरकार अच्छा, हैरत शाह की हाँ ड्यूटी लगी यहाँ हाँ जी। उन्हें लगा थे सब ना, ये फिर रहे ना तो 17 साल ड्यूटी कर रहे हैं, जी फिर सर, ये कराची चले गए। जी जी ठीक है। ये जनाब गुलाम फरीद छाबरी ना कमाल जी जी अमजद छाबरी, जी जी ये उन्होंने मेरी शहर बना दी, ले जा रहे हैं कराची इन्होंने दरबार। अच्छा, ये बाबा पीले शाह जो हैं, ये अब उनके मुर्शद मुर्शद हैं जेड़े गुलाम फरीद छाबरी है जी? ना जी गुलाम फरीद कवाल, साबरी साहब वो कवाल। सरकार हैरत शाह के मुरीद है। अच्छा, वो सरकार हैरत शाह के मरीद थे, ठीक हाँ अमजद है, साबरी भी अलग मरीद है, अमजद साबरी साहब इन्हीं के मरीद थे। इनके मरीद इनके तो मिजार अब भी आप अलग है। जो हैं, अपना भी तारफ करवाइए। मेरा नाम सबर शाह है जी, जी जी ठीक जेड़ा है। मौजूदा है उन बाबे और मेरे है मुर्शिद हैं जी जी बाबा पीले उन शाह, उन पीले शाह तो वैसे वैसे कहते अच्छा, वैसे कह देते हैं, हैं, ठीक उन है। ईसाइयों ने उनका नाम मुर्शिद दा बाबे कंगले शाह सरकार दा दिता है, अच्छा, वो है ठीक है, बावा सहारे शाह, बाबा सहारे शाह। सहारे शाह, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी मालूमात दी इस है। ये सरकार तुसी जदा ने मिले सुना ना आवाज, जी, तो सरकार आज ही वापस हमारे से निशा शाह सरकार इंडिया देवाशरी यूपी यूपी, ओथे सरकार दे दरबार। ठीक ठीक है ठीक चले, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मालूमात देने का। साईं बाबा ड्रामा इन्हां दे सरकार दे किरदार ते चल रहा है, कौन सा ड्रामा? साई बाबा जेड़ा इंडिया तो चलता है ना जी वो जी सारा किरदार सरकार का जी जेड़ा उन्हां बहुत दी जिंदगी जा शुक्रिया, बहुत रहे हैं। शुक्रिया। तो ये देखें जी, ये मकाम हैरत, यहाँ किसी वक्त में पाकिस्तान बनने से पहले मंदिर हुआ करता था, अब मंदिर तो ख़त्म हो गया है, लेकिन ये जो कमरा है, ये देखिए, ये अब भी मौजूद है। मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।